गाजियाबाद में एक बार फिर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। देर रात सहीबाबाद थाना क्षेत्र के लोहिया पार्क के पास पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी तेज रफ्तार बाइक आते देख पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाश ने पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। बचाव करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग करी, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई है। घायल बदमाश और घायल सिपाही को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की माने तो बदमाश का नाम नाजिम है और उस पर कई थानों में 30 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। थाना साहिबाबाद क्षेत्र में करण गेट चौकी के पास आज आधी रात को करीब चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति ने सूचना दिया कि उसके मोबाइल को खींचने का प्रयास किया गया किसी अपराधी किस्म के व्यक्ति के द्वारा। इस सूचना पे चारों तरफ पुलिस पार्टी को अलर्ट करते हुए उस स्कूटी सवार का पीछा किया गया। आगे चलने के बाद लोहिया पार्क के पास पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें जो अपराधी है उसको दाहिने पैर में गोली लगी है और एक पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर महक सिंह बालियान जो शहीद नगर के चौकी इंचार्ज हैं थाना क्षेत्र साहिबाबाद के, उनको भी बाएं हाथ में फायर आर्म इंजरी हुई है। और इसमें अपराधी का नाम नाजिम पता लगा है, जो कि राजीव कॉलोनी थाना क्षेत्र साहिबाबाद का ही रहने वाला है। इसके ऊपर दिल्ली और गाजियाबाद में के कई थानों में कई दर्जन मुकदमे दर्ज होने का पता चला है अभी। और जो बरामदगी हुई है इसके पास से एक बिना नंबर की स्कूटी जिस पे ये सवार होकर जा रहा था, 4 मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड अभी तक इसके पास जो मिले हैं और एक तमंचा जिससे फायर किया था इसने, कुछ जिंदा कारतूस और जो फायर होने के बाद खोखा कारतूस, ये सब चीज़ें बरामद की गई हैं। इस संबंध में घायल पुलिसकर्मी को और घायल जो अपराधी है उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है और लीगल एक्शन लिया जा रहा है, मुकदमा लिख के कार्यवाही की जा रही है।